ये मित्रा ऑन व्हील्स की वीडियो में देखकर आए हैं आप? यस यस ब्रदर, मैंने चलो आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था अभी रिसेंटली दिखाया। राइट राइट, उसमें मित्रा ऑन व्हील्स लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। आप अभी दिखा सकते हो कोई ऐसी बात? मेरी वीडियो से जो आ रहा है उसका बड़ा अच्छे से मान कर रहे हो सर। जो आपकी बातें हैं ना, बहुत यूट्यूबर है, आपकी बातें ना, जो यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत फ्लो मारते हैं, पर उससे ज्यादा फ्लो पता कौन मारता है? जिसके पास हम आते हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो, पर ये बातें जैसे आपकी बातें थी ना, उससे 100% इन्होंने दिया आपका। डेफिनेटली, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मेरी सीट इन्होंने अभी लगवाई थी रिसेंटली ना, लास्ट में ये हुआ कि वो लड़का जब फिटिंग कर रहा था वो सीट स्टिचिंग उसकी मिसिंग हो गई। ओके, तो अंकल ने मुझे पता क्या बोला, मैं कहा अंकल ये ऐसी ऐसी बात हो गई, अंकल कहते ये सीट चेंज कराओ। तो अच्छा जी, विद इन मतलब कि तुम लगा लो 1 आवर्स में मेरी सीट न्यू बना के, मतलब कि स्टिचिंग करके जो भी उन्होंने सेट करके ला लूंगा, स्कीम डाल लूंगा, पर इन्होंने डालनी नहीं दी यार। नहीं, इन्होंने अच्छा रेट भी रीजनेबल, और एक बंदा कहता है ना कि जेन्युइन बंदे यार, व्यवहार बढ़िया। हाँ, बंदे लोग, इन्होंने स्वाइप करवाया मेरा क्रेडिट कार्ड, कोई नहीं स्वाइप करवाता ब्रदर, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड कोई नहीं स्वाइप करवाता। क्रेडिट कार्ड अंकल ने मुझे, मैं अंकल जी कार्ड है, उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सा कार्ड है, कैसे, क्या सिस्टम, ना कार्ड पे ये चार्जेस पड़ेंगे, कुछ नहीं बोला इन्होंने, बोला मुझे मॉर्निंग की आ जाओ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब स्वाइप करवाया ना, इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगे, पर मेरी इच्छा हुई कि यार एक्स्ट्रा चार्जेस बनते हैं तो मैंने इनको दिया, जो जेन्युइन बात है, बहुत अच्छी और वो बात, जेन्युइन प्राइस पे दिया इन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। ये नहीं कि जैसे लोग मानते 18% लगेगा जी आप क्रेडिट कार्ड लेके, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। जो आप आ रहे हो ना, आपको भी यही प्राइसिंग मिलने वाली है, ठीक है जी, देख सकते हो आप, इतना क्रिस्टल क्लियर कोई नहीं बताता भाई मार्केट में, वो भी ये कंप्लीमेंट्री दी है इसमें हमने। रूफ में जो आपने ब्लैक करा है उसकी प्राइसिंग की बात करें, रूफ में जो ब्लैक हुआ आपके उसके लगे 3,000 रुपए, 3,500। शेविंग रैप हुआ 550 रुपए, 10,000 रुपए है। ओके, करके जो दिया हमने। गल बड़ी लंबी इथे मुकदी नी, तू भी मैनू देखदा नी अख भर के, भी मेरे कोले कदे रुकदी नी वे, पार्टी उत्ते मोड़नी बनाई फिर तेरा नाम दिल ते लिखाता वे, नहीं नी दस केड़े कमी लाई जानी है, केड़े कमी लाई जानी है, रीजन ने वटे आ मैं पांदे नी मूं, मरदे नी मूं, मरदे नी मूं, सुनी जमी आई सॉल अबाउट यू, तेरा करदी है कि मैं मेरा करदा नी तू, सुनी जमी आई सॉल अबाउट यू, ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट यू, कदी कदी दे नालो जहरी बली जेड़ी अखा ना प्याई। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मित्रा ऑन व्हील्स की एक और नई वीडियो, एक और नया दिन, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन के साथ हम आ गए हैं ऑटोमेस कार एम्पोरियम में। आज हमारे पास रहने वाली है न्यू 2023 फ्रॉन्क्स, तो मारुति सुजुकी गाड़ी है भाई, बहुत जबरदस्त काम हुआ है, ए टू जेड पूरी टॉप मॉडल से भी ऊपर कर दी है। तो हैप्पी भाई हमारे साथ हैं, हैप्पी भाई के पास चलते हैं, सारी डिटेल बताएंगे। तो गाड़ी की रहने वाली है लुक बड़ी जेन्युइन, ठीक है, देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, एम्बेड लाइट, K4 वगैरह सब कुछ। तो हैप्पी भाई हमारे साथ हैं, अंकल जी भी हमारे साथ हैं, कैसे हो अंकल? बढ़िया, आप कैसे भैया? बढ़िया भैया, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं भैया, ना डिले करते हुए, वीडियो के बारे में, गाड़ी के बारे में, सॉरी। तो वाटर फॉल्ट रिले लगी है इसमें, ओके, जो लॉक होने पे अपने आप होल्ड होंगे, ओके, अपने आप खुलेंगे, ठीक है जी। रिले लगी है 1800 रुपए की, 1800 रुपए की रिले लगी है, हाँ जी। चलो भाई बहुत बढ़िया, बीत प्राइस भी वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं हम साइड की ओर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं हम, हैंडल क्रोम 650 रुपए की, हैंडल क्रोम, हाँ ओके, 650 रुपए की रहेगी पूरी, चलो बढ़िया। इसके बाद इसकी बात करते हैं विंडो लोअर गार्निश की बात करते हैं, क्रोम गार्निश रहेगी आपकी 1100 रुपए की, 1100 रुपए की, ठीक है भाई, चेकआउट कर सकते हो, जबरदस्त, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डोर वाइजर, डोर वाइजर भी आपके रहते हैं गैलियो कंपनी के 1050 के, ठीक है। तो भैया ये सारी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज रहने वाली है या OEM भी रहने वाली है? OEM भी है, OEM भी है, OEM इनको जो थी चाहिए थी अंदर की, ये क्रोम गार्निश जो चाहिए थी वो चाहिए थी इनको फुल क्रोम, ओके, और जो OEM में आती है उसमें आती है स्पेस, आपने देखी होगी, राइट राइट, वो छोड़ देती है बिल्कुल, यहाँ पे स्पेस आ जाता है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी पूरी पूरी, ठीक है ना, कस्टमर को ये दिखाया था, ओके, ओरिजिनल का प्राइस जो है वो अराउंड 2400-2600 के अराउंड है इसका, ठीक है, कस्टमर को चाहिए था रिलायबल और okay. जो अच्छा चले, तो गैलियो कंपनी आप जानते हो, बिल्कुल गैलियो का तो अलग ही रिस्पांस है, अभी से नहीं 10 साल हो गए वो चलती है, देख रहे हो भाई, ना कोई क्रोम की ये जाती है ना शाइन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डुअल टोन में है बिल्कुल क्रोम के साथ में, हाँ जी। तो गाड़ी का साइड लुक कुछ ऐसे रहने वाला है,
बहुत जबरदस्त गाड़ी रहेगी। प्लस के अलॉय, ये आपके अलॉय लग के आते हैं, ये तो टॉप मॉडल में जो लग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो साइड में ये बात कर ली हमने भैया, कुछ मैं रूफ में भी देख सकता हूँ, रूफ में भी हमने कुछ करा है? रूफ में हमने करी है, रूफ रैप हुई है पूरी। ओके आप देख सकते हो ये कंपनी का पार्ट है, ठीक है जी, और यहाँ से ये रूफ पूरी हुई है। ओके और ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर पूरी ब्लैक करी हमने, शाइनिंग ब्लैक, अल्टीमेट लुक आ रही है गाड़ी की ना। बट एक चीज है भैया, इसको क्यों नहीं ब्लैक करा आपने? कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी इस तरीके से, थोड़ा सा कंट्रास्ट आ रहा है इससे। ओके कस्टमर कंट्रास्ट भी आता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी, ये आप देख रहे हो डाई की तरह पूरी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें ही उस हिसाब से करी हमने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा शार्क फिन एंटीना, इसमें शार्क फिन एंटीना ब्लैक लगा हुआ। ओके ओके ठीक है, गाड़ी की लुक बड़ी मतलब ना घर के आ रही है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, वरना ये भी ब्लैक हो जाता, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये रिफ्लेक्टर है आपके। ओके क्या पोस्टिंग की रहेगी? 1100 रुपए की रहेगी। ओके ओके 1100 रुपए की रहेगी, हाँ जी ठीक है जी। ओके आगे बताएं प्लीज। टेल लैम्प, ओके ये कनेक्टेड वाली, ठीक है, जो इस मॉडल में जो आती है खाली ये आती थी। ओके हमने ये चेंज करके कम्प्लीट लगाई। नेक्सॉन बना दिया क्या? नेक्सॉन से पहले ही आ रखी है, नेक्सॉन बाद में बना। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, है ना, ठीक है जी परफेक्ट। तो इसकी अगर हम कॉस्टिंग की बात करें भैया, इसकी कॉस्टिंग 10,000 रुपए है। ओके करके जो दिया हमने। ओके साथ में ये लाइटें इसके अंदर इंक्लूड है, जो लोग अलग से लेस करके देते हैं ना, राइट, और अलग से इसकी कॉस्टिंग के पैसे लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे में इंक्लूड है 10,000 रुपए, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री पैसे उनके होते हैं, है ना। हाँ, बनाने का तरीका, बनाने का तरीका ये अलग से लगवा, अलग से लगवा, लेकिन ये जो है आप ये पूरा सेट है, जो भी आपने प्राइस बताया, क्या बताया? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए में, बिल्कुल ठीक है। बड़ी ना गाड़ी की लुक काफी इनहेंस ही हो गई है, हाँ जी, मतलब एकदम अल्टीमेट सी लुक निकल के आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं भैया, 10,500 बताया आपने इसका प्राइस? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, चलो बहुत बढ़िया। और इसका 1100 रुपए का प्राइस रहेगा रिफ्लेक्टर का, रनिंग में रहेगा, देख सकते हो। इसके बाद इंटीरियर की बात करें भैया, इंटीरियर में आते हैं तो ओके मैं आपको दिखा दूं, ठीक है जी, जबरदस्त। ओके गाड़ी के फोर, ठीक है, 18 पीस, 18 पीस की, हाँ जी ठीक है जी, 7,000 रुपए। 7,000 रुपए बहुत बढ़िया। इसकी कोई वारंटी गारंटी रहेगी? वारंटी रहेगी भैया, ये देखो ये सारी होती है चाइनीज आइटम। ओके ठीक है, लेकिन रिप्लेसेबल होती है, अगर कोई चीज आपका पार्ट खराब है, ठीक है, हम उसको ठीक करवा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और ओके, दूसरी चीज जल्दी खराब होती भी नहीं है, ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 साल भी चला लिए लोगों ने, 2.5 साल भी चला लिए, खराब नहीं हुई। ओके ओके ओके, तो ऐसे नहीं होती खराब, ठीक। गाड़ी का तो वैसे बहुत नाम है, मतलब गाड़ी पुरानी, आप करोल बाग में किसी भी शॉप में जाओ तो मोस्टली गाड़ी लगा रहे होते हैं, है ना। हाँ चलो, नहीं बहुत बढ़िया काम लग रहा है, फिनिश अच्छी आती है ना इसकी, आप देखो ग्रेस आता है गाड़ी में। ओके ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, आपको एक क्रोम हैंडल लगे हैं इसमें, ठीक है। कॉस्टिंग की बात करें तो, कॉस्टिंग की बात करें तो इसका 1100 रुपए का सेट रहा था, ठीक है, 400। ओके ओके पूरे उसमें लगेंगे गाड़ी, ठीक है जी। इसमें लाइट भी है ना? हाँ 18 पीस वाली है, ऊपर लाइट आपकी, यहाँ लाइट, नीचे लाइट, ठीक है। ओके वहाँ पे, ठीक है ना, हाँ ओके। डैशबोर्ड की यहाँ रहती है, ठीक है, यहाँ रहती है, पूरी गाड़ी कवर हो जाती है, मतलब है ना, ठीक है भाई। लेकिन इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज हुई है इंटीरियर में, रूफ में, रूफ में रैप, ये तो एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर में भी तो हुआ है। इंटीरियर में भी आपकी इसकी जो छत है वो हमने ब्लैक करी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ओके। ये देखो भाई, अदरवाइज ये बॉडी मतलब ऐसा सा आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंस ब्लैक इसको अंदर से एनहेंस कर देता है, अच्छा लगता है यार भैया। लेकिन एक चीज है इसमें, बोलो, आपने रूफ तो इसमें कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने इसमें जो साइड के वो है पिलर्स, उसको ब्लैक नहीं कराया? साइड के पिलर की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना भैया। ओके कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं थी, अदरवाइज और गाड़ी इनहेंस हो जाती लुक ना, और निखर के आ जाता, क्योंकि सीट कवर भी हमारे ब्लैक कलर में, बिल्कुल ब्लैक कलर तो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाती है ना, बिल्कुल। चलो सीट कवर आप देख ही सकते हो, जब सीट कवर की बात हो रही है, ठीक है, ब्लैक सीट वर्क, कंप्लीट ब्लैक, अलग लुक आ रही है। पैडिंग देख सकते हो आप, ठीक है जी, पैडिंग भी जबरदस्त है, पूरे तरीके से लगे हुए हैं। स्टिचिंग की बात करूं तो भाई बड़ी जबरदस्त है, देख लो यार, ये देखो आप, बहुत जबरदस्त स्टिचिंग है, ठीक है, फिनिशिंग भी पूरी आ रही है, कंफर्ट है काफी, ये देखो यार, बिल्कुल बहुत ज्यादा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा लगा है आर्मरेस्ट। ओके एक काम करता हूँ भैया, मैं उस तरफ से आता हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप मेरे को डिटेल में बताना। बाकी कुछ गाड़ी की लुक फ्रंट में ऐसे रहने वाली है, ठीक है, काफी अल्टीमेट सी लुक है गाड़ी की, ठीक है जी। खोलते हैं गाड़ी को,
और चलते हैं अंदर की तरफ। देख रहे हो क्या सुंदर रंगीन गाड़ी हो रही है। ठीक है भैया, सबसे पहले स्टीयरिंग रैप। ओके भैया का स्टीयरिंग में बटन लगे हुए आए थे, टॉप मॉडल थे तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके स्टीयरिंग रैप हुआ 550 रूपए। 550 रूपए में? 550 रूपए स्टीयरिंग रैप। हाँ स्टीयरिंग रैप 550 रूपए में। 550 रूपए में आप क्वालिटी देख लो। नहीं बिल्कुल भाई, स्टिचिंग देख रहे हो यार, क्वालिटी सारी देख लो। ये 550 रूपए रेट उनके लिए है जो बेस टू टॉप करवाएं या बहुत सारा काम करवाएं या हर किसी के लिए। हर किसी के लिए कोई भी आ जाए। ओके ये जितने भी प्राइस हमने बताए भैया, ये विद फिटिंग रहने वाले हैं या विदाउट फिटिंग रहने वाले? विद फिटिंग रहेंगे, ऐसे काम नहीं है कि बाद में हम बोले लेबर एक्स्ट्रा लगेगी, पहले सबको लेस दे दो 20-30-50%, बाद में उनसे बोलो भैया जो ये सीट कवर है वही आपके जो है 10,000 रूपए के लगे हैं। ओके ऐसा वाला काम नहीं है। नहीं भाई बहुत बढ़िया, ये सीट कवर मैंने 6,000 रूपए में लगा के दिए। ओके मार्केट वाले क्या करते हैं कि 50% लेस दे के यही सीट कवर 8,000 रूपए में दे रहे हैं। नहीं फिटिंग की बात करूं तो बड़ी मतलब ना जबरदस्त फिटिंग आई है और काफी अच्छे है, मैं बैठ कर भी देखा तो काफी कम्फर्ट था। ठीक है अब यही आते हैं तो इसपे ये लगा। ओके नॉर्मल आता है, इसमें शीशा वाला आता है, इसमें हमने लाइट वाला लगाया, खोलोगे तो लाइट जलेगी। ओके प्राइसिंग की बात करें इसकी भी है? ये 2,000 रूपए का रहेगा फिट करके। ओके ओके ये मारुति जेन्युइन है? मारुति जेन्युइन है। ओके ओरिजिनल पार्ट है। ठीक है पीछे आएंगे तो ये लगे GFX मैट। ठीक है उससे पहले भी मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने फ्लोरिंग भी कराई? फ्लोरिंग कराई है हमने, थोड़ी हैवी फ्लोरिंग हुई है, 2,000 रूपए की फ्लोरिंग हुई है। डाई वाली? हाँ क्रोकोडाइल। हाँ है ना? हाँ क्रोकोडाइल वाली। ठीक है जी पूरा डाई के साथ बनी हुई जो आती है वो वाली है, एक्यूरेट बैठने वाली। ओके ये GFX के मैट है 2,600 रूपए के जो हमने लगाए हैं। ठीक है जी बहुत बढ़िया, काफी प्राइस जेन्युइन बता रहे हो विद फिटिंग वाले। बिल्कुल भैया ठीक है, काम है वो जेन्युइन है। आर्मरेस्ट बता दिया 3,500 रूपए का लगाया हमने। ठीक है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी चालू करने की एसी। ओके चालू करके एसी हम लगा के भी दे देते हैं, 6,500 रूपए लेते हैं। चलो ठीक है। ओके ये कम्प्लीमेंट्री दी है, इसमें हमने कॉस्टिंग नहीं लगी, व्हाइट बल्ब तीनों में डाल दिया। ओके तो अगर मित्रा ऑन व्हील से कोई आता तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है? बिल्कुल लगा देंगे कोई दिक्कत। चलो डेफिनेटली। ओके तो सारा कम्प्लीट हो गया गाड़ी का इंटीरियर? हाँ जी हो गया। ठीक है कस्टमर को एक चीज रहेगी भैया, बोलो रूफ में जो आपने ब्लैक करा है उसकी प्राइसिंग की बात करें? रूफ में जो ब्लैक हुआ आपके उसके लगे 3,000 रूपए 3,500 रूपए। बिल्कुल भाई देख रहे हो बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे जो आप आ रहे हो ना आपको भी यही प्राइसिंग मिलने वाली है। ठीक है जी देख सकते हो आप, इतना क्रिस्टल क्लियर कोई नहीं बताता भाई मार्केट में, वो भी करोल बाग में। ठीक है जी बहुत बढ़िया। ओके तो इसमें डैम्पिंग हुई है भैया? इसमें डैम्पिंग हुई है। ओके नौ शीट लगी है इसमें? नौ शीट लगी है। हाँ जी नौ शीट लगाई है, अंदर बाहर हमने डैम्पिंग करी है इसमें। चलो जी बहुत सिर्फ लोग बार बार लगा देते हैं, लोग कहते हैं रोड नॉइज के लिए लगा रहे हैं। राइट मैं उनको ये बता दूं कि बाहर की तरफ जब तक नहीं लगेगी ना तो बाहर से बॉडी बिल्कुल हल्की रहेगी। वो तो है ही है भैया, ठीक है ना, रोड नॉइज वो कितनी भी कैंसिल कर ले वो आनी है एक्यूरेट, और फायदा तभी रहता है जब हम बाहर की तरफ भी बाहर की तरफ लगेंगे तभी थोड़ा सा डेंट डूंट लगने से बचेगा और हैवी होगा। हाँ डेंट बचाती है। राइट ये आपका कोई भी हल्का डेंट जो होता है मारुति पे ना कई बार वो पुश दे देता है अंदर को। ओके और आपकी डैम्पिंग अगर लगी होगी तो वो बचा लेगी। ठीक है तो ये देख रहे हो भाई कैसे मतलब पत्थर वाली आवाज आ रही है इसमें से, वही मैं आपको। ठीक है तो बहुत तो फर्क पड़ता ही है। हाँ ठीक है कौन सी कंपनी की लगाई होगी? मैंने सोनीलक्स की लगाई है, रेड शीट है जो आ रही है आजकल। ओके 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 बहुत बढ़िया वो तो। हाँ जी ठीक है और कुछ रहना है ग्रैगे भी ये बताने लायक? और कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नहीं तो ये भी लगते हैं। ओके ये सारा अभी तो नॉर्मल ही है। ठीक है जी नहीं तो ये सारा पियानो ब्लैक आता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये आपका पियानो ब्लैक हो जाता है जैसे आप ये देख रहे हो। ओके ये सारा पियानो ब्लैक ये सब अवेलेबल रहता है हमारे पास। ठीक है जी ठीक है ना। नहीं बहुत बढ़िया काम करा अभी आपने, और मैंने ये नहीं करा कि कस्टमर को ये भी लगा लो ये भी वो कर लो वो भी कर लो। ठीक है कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है कंपोनेंट वगैरह हुए हैं इसमें? नहीं कस्टमर की स्टीरियो लगा हुआ टॉप मॉडल में है। ठीक है जी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कस्टमर को यूज करनी है बिजनेस पर्पस के लिए भी। ओके ट्रैवल रहता है उनको, चंडीगढ़ से अप डाउन करना पड़ता है, माल भी ले जाना है, तो हमने अपनी तरफ से ऐसा नहीं किया कि भाई ये भी लगा लो या स्पीकर खराब है या वो खराब है। बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं है, ठीक था कस्टमर के सही है तो हमें भी सही है। ठीक है तो भाई एक बार डिस्काउंट वगैरह बता दो मित्रा ऑन व्हील से कोई क्या कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हो आप? भैया कॉम्प्लीमेंट्री देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कस्टमर को वॉच वगैरह जो अगर हो तो वॉच वगैरह प्रोवाइड कराए। ठीक है जी परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है जी
तो वीडियो को यही एंड करें भैया कि रिव्यू दिलवा रहे हो आप कस्टमर से? बिल्कुल, कस्टमर के भी रिव्यू ले लीजिए आप, वो तो मैंडेटरी है। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी। चलो भाई कस्टमर के पास चलते हैं, उनसे डायरेक्टली रिव्यू लेते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। सो टिल देन आप वीडियो में बने रहो। तो जी रिव्यू लेने के लिए हम आ गए हैं, फ्रोंग्स के ओनर हमारे सामने हैं। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सैटिस्फाइड हैं? एकदम बिल्कुल गुड, मजा आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा सर, आपका क्या रहेगा? शेखर यादव। शेखर यादव जी, यस। ठीक है जी, तो कहाँ से हैं सर आप? मैं मोहाली। मोहाली? हाँ। चंडीगढ़ मोहाली? हाँ चंडीगढ़ मोहाली। पंजाब पड़ता है वैसे मोहाली, है नहीं? चलो, पंजाब वाले चंडीगढ़ भी बोले जाते हैं और चंडीगढ़ वाले पंजाबी बोले जाते हैं। चलो मोहाली पंजाब चंडीगढ़ सब एक ही सिस्टम है। तो इतनी दूर से करोलबाग, वो भी अंकल जी के पास? अंकल जी की ना जी, पता क्या, मैंने वीडियो देखी थी ये 6 महीने पहले। अच्छा जी। तो अंकल जी ने जो बात बोली ना, तो मुझे, मैं इंस्पायर हो गया कि यार मैं अंकल से ही काम कराऊंगा, कोई चक्कर नहीं है। और मुझे ये नहीं पता था कि मैंने गाड़ी ये फ्रॉन्क्स लेनी है। ठीक है। जैसे मुझे समझ आया, ऊपर से भाई ने फ्रॉन्क्स का अपनी एसेसरीज दिखाई, तो मैं अंकल भी बैठे थे, अंकल ने बोला ये ऐसा है ये ऐसा है, मैं चलो ठीक है, फिर सीधा मैं आया इनके पास। ठीक है जी। तो मतलब अंकल की सादगी जी, अंकल जी की सादगी। और एकदम प्राइस कैसा लगा आपको? सर प्राइस ना जी, वैसे अगर देखा जाए जी, परमात्मा की कृपा है, किसी को प्राइज ना पूछना पड़े। बिल्कुल है ना। पर मेरी उम्मीद ये थी कि मैं 1 लाख रुपए का बजट था मेरा सिस्टम, मैंने टॉप मॉडल गाड़ी ली, पर मेरा 1 लाख का सिस्टम था कि मैं 1 लाख की एसेसरी लगाऊंगा। ठीक है। पर अंकल ऐसे बंदे थे कि इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये लगा लो ये लगा लो ये लगा लो। एक बंदा कहता है ना कि ये लगा लो ये सिस्टम लगा लो, बजट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ना, इन्होंने ऐसी बात की, अगर मैंने बोला कि ये लाइट लगानी है तो उन्होंने लाइट ही लगवाई है, बेफिजूल का कोई काम नहीं किया। ये प्लस पॉइंट इनका बनता था। नंबर दो, मेरी सीट इन्होंने अभी लगवाई थी रिसेंटली ना, लास्ट में ये हुआ कि वो लड़का जब फिटिंग कर रहा था, वो सीट स्टिचिंग उसकी मिसिंग हो गई। ओके। तो अंकल ने मुझे पता क्या बोला, मैं कहा अंकल का ये ऐसी ऐसी बात होगी, अंकल कहते ये सीट चेंज कराओ। अच्छा जी। विद इन मतलब कि तुम लगा लो 1 आवर्स में मेरी सीट न्यू बना के, मतलब कि स्टिचिंग करके जो भी उन्होंने सेट करके लगा दी। अच्छा, ये चीज मेरे को नहीं पता, लेकिन ये चीज तो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी जेन्युइन बात है। दो तीन चीजें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फेविक्विक की एक छोटा सा इशू था, उन्होंने मुझे वो मतलब की मैटिंग पे था, उन्होंने साफ करवा के दिया। मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने उसके ऊपर पैसे लगाए। बिल्कुल। मेन बात ये थी कि सही लगा मुझे सब कुछ, मतलब इन्होंने मुझे ये नहीं कहा। इन्होंने मुझे एक कॉम्प्रोमाइज होता है कि चलो मैं कर लूँ, कि बुजुर्ग बंदा अंकल है ना, कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, कोई बात नहीं अगली बार करवा लेंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं, इन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट बोला कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये चेंज करो, बेशक मेरे लॉस होगा, पर आपको कभी ऐसा नहीं हो कि आप मेरे पास आए इतनी दूर से और आपको प्रॉब्लम हो, है ना। क्योंकि बंदे ने 50,000 रुपए लगाने हैं, छोटी सी बात के पीछे 5 रुपए पीछे बंदे का दिमाग 50,000 भूल जाता है, 5 रुपए चीज जगती है ना। यही तो है, ये चक्कर है बस। मुझे मजा आ गया, मतलब एक आधा 1% भी ऊंच नीच हुई तो वहां पे रिजोल्यूशन मिला है। हाँ, ऐसा नहीं कि चल कल अगली बार हो जाएगा। कल आना, ना 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 ना, कल नहीं आना, अभी आए हो तो अभी आना, करना अभी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में ऐसे सुन के, आप मेरी वीडियो में आते हो, हम आपके साथ वीडियो बनाते हैं, हैप्पी भाई भी साथ है, तो ऐसे कम आता है दुकान पे, मोस्टली मैं ही मिलता हूँ। हाँ अंकल है, अंकल के साथ डील करो। जसविंदर अंकल का नाम है। तो ऑटो में इस कार एम्पोरियम, और कस्टमर जी हमारे साथ हैं, प्रॉपर पूरे पॉजिटिव हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए है, इन्होंने पैसा खर्चा है। हाँ। और ये उसका ऑनेस्ट रिव्यू है सर। मेरी ना उम्मीद 1 लाख की थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं 1 लाख लगा दूंगा, है ना। हाँ। मैं कहा चल ऐसे अंकल को मैं पता, जैसे आजकल के यूथ है वो कहते हैं कि चल बुजुर्ग बंदा है, मैं इनको फुसला लूंगा, बहला लूंगा, स्कीम डाल लूंगा, पर इन्होंने डालनी नहीं दी यार। नहीं, इन्होंने रेट भी रीजनेबल, और एक बंदा कहता है ना कि जेन्युइन बंदे यार, व्यवहार बढ़िया। हाँ। बंदे लोग, इन्होंने स्वाइप करवाया मेरा क्रेडिट कार्ड, कोई नहीं स्वाइप करवाता ब्रदर, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड कोई नहीं स्वाइप करवाता, क्रेडिट कार्ड अंकल ने मुझे, मैं कहा अंकल जी कार्ड है, उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सा कार्ड है, कैसे क्या सिस्टम, ना कार्ड पे ये चार्जेस पड़ेंगे, कुछ नहीं बोला इन्होंने, बोला मुझे मॉर्निंग की आ जाओ। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब स्वाइप करवाया ना, इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगे, पर मेरी इच्छा हुई कि यार एक्स्ट्रा चार्जेस बनते हैं तो मैंने इनको दिया, जो जेन्युइन बात है, बहुत अच्छी और वो जेन्युइन प्राइस पे दिया इन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। ये नहीं कि जैसे लोग मानते 18% लगेगा जी आप क्रेडिट कार्ड लेके आए हो, 10% है ना, इन्होंने मेरे से सिर्फ 680 रुपीज लिए, जो मैं 50,000 में काम करवाया, ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ, और मुझे खुशी हुई बहुत यार, बहुत अच्छा लगा। पैसे ये जेन्युइन कमाते हैं, जेन्युइन एक रियल लाइफ का जो बंदा, ये मतलब यार ये हीरो है। अच्छा, ये बात है बस।
चलो अंकल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपसे बात करके। बाकी मित्रों ऑन व्हील्स की वीडियो देखकर आए हैं आप? यस यस ब्रदर। चलो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था अभी रिसेंटली दिखा। राइट राइट, उसमें मित्रों ऑन व्हील्स लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। आप भी दिखा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन, आपने काफी अच्छा काम करवाया, न्यू गाड़ी है आपकी, ठीक है जी। तो अगर मैं रेटिंग तो पूछ ही नहीं सकता हैप्पी भाई, बिल्कुल। जब मेरी इच्छा है, मैंने काम करवाया ना, मेरी पता क्या इच्छा है कि ना आप जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई फुली फुल, है ना, ठीक है। चाय पी मैंने 20 रुपए की, और इस टाइम बंदा रोटी खाता है कितना खुश होगा, या मॉर्निंग चाय पीता है ना, मैंने इस टाइम पी है। नंबर दो, मैंने जब भी कोई काम करवाना है इनसे ही करवाना है। ये लोग पता क्या बोलते हैं, जब डिस्काउंट करवाना होता है, पर मैं ये रियल बोल रहा हूँ ब्रदर। चलो बहुत अच्छा लगा जी, सो थैंक यू सो मच सर, आप मेरी वीडियो से आए हो और आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप मेरा काम और मेरी वीडियो से जो आ रहा है उसका बड़ा अच्छे से मान कर रहे हो। सर जो आपकी बातें हैं ना, बहुत यूट्यूबर है, आपकी बातें ना, जो यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत फ्लो मारते हैं, पर उससे ज्यादा फ्लो पता कौन मारता है, जिसके पास हम आते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो, पर ये बातें जैसे आपकी बातें थी ना, उससे 100% इन्होंने दिया आपका। डेफिनेटली, मतलब ये मैं कह रहा हूँ 100% इन्होंने दिया, 100%। ये तो आपका प्यार है, 2% देते हो ना, 98% इन्होंने दिया। बहुत अच्छा, प्राइस, व्यवहार और सिस्टम जैसे मैंने सोचा था वैसे उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि फेक, ये आपके सामने सारा काम है, और इन्होंने रेट लिस्ट दी और मैंने 1 रुपए लेस नहीं किया, ठीक है जी। क्योंकि मेरा बजट 1 लाख रुपए था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा, मुझे ये लग रहा था कि अंकल ने रेट बढ़ा देना, ये कर देना। मुझे जब अंकल ने रेट बताया ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मुझे मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं लेस करवाऊँ। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जेन्युइन रिव्यू है, ठीक है। तो मिलते सर, रहेंगे सर, पेमेंट भी दिखा सकता हूँ, स्वाइप मैंने करवाया है अंकल। हाँ, कोई चक्कर नहीं, वो तो सब कुछ है, मैंने बिल भी इवन दिखाया है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि कोई अपना बिल नहीं दिखाता है सर, किसी को भी, इन्होंने बिल दिखाया। अंकल आप ना कल मेंशन भी कर देना स्लिप साथ में, जो मैंने करवाया, पता ठीक है जी, जो मैं बता रहा हूँ की 54,600 रुपीज कुछ अंकल जी कटा था जीएसटी प्लस जो मैंने दिया, ये मेरा बैलेंस था कि नहीं ब्रदर, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि ब्रदर ने ये बिल बना दिया ये इतना, ना जो अंकल ने डिस्काउंट किया वो अलग बात है यार, जो मैंने परफ्यूम लिया वो अलग बात है, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत कुछ दिया अंकल ने मुझे डिस्काउंट में। अच्छा जी। और जो परफ्यूम तो मेरे ख्याल दिया ही हमने। चलो जी, तो बहुत अच्छा लगा जी, ओके हैप्पी भाई, बहुत अच्छा लगा आपने काम करा, थैंक यू सो मच। ओके अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप मित्रा ऑन व्हील से आते हो, यहाँ पर काम करवाते हो, तो भाई रिकमेंडेशन दो, ताकि आपको जो भी चीज है वो बेस्ट टू बेस्ट हो। प्लस अगर आप काम करवाते हो तो कमेंट में जरूर बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि अपकमिंग जो कस्टमर आए उसको भी रिव्यू पता लगे। टिल देन ओके गाइस।